हेलो, आप सब कैसे हो? आई थिंक अच्छे हो, अच्छे रहो। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस, अभी जस्ट मैं नहा के आई, तो अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं खाना में बनाने वाला हूँ बहुत डिलीशियस हमारे ट्राइबल का फूड। तो सबसे पहले बनाऊंगी हुजूफोंगा, यानी कि कुचू का फ्लावर होता है ना, कुचू फूल बनाऊंगी बहुत डिलीशियस से विद ड्राई फिश। और बनाऊंगी मैं करेला का साग, और मैं बनाऊंगी बाता मास विद, मतलब बहुत ही यूनिक टाइप से बनाने वाली हूँ आज में। तो आप लोग भी ऐसे ही बना के खा सकते हो घर बैठे बैठे। तो आइए मेरा साथ, आप लोग भी खा सकते हो डिलीशियस वाला फूड। कम विद मी इन माय किचन। हेलो एवरीवन, तो आप लोग पहचान लिया होगा ये एक कुचू का फ्लावर है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ इसको कैसे कटिंग किया जाता है। तो आपको इस तरह से काटना है, अंदर का एक व्हाइट कलर का पार्ट होता है उसको आप लोग को फेंकना है, ये वाला। तो मैंने काटिंग कर लिया है, तो अब भी आप लोग को दिखाती हूँ इसको काटना कैसा है। तो मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में काटने वाली हूँ। तो गाइस, आपको सबसे पहले याद रखना है कि इस कुचू को सब आगे अच्छी तरह से धो लेना है, उसके बाद कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद धोना नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इचिंग होता है, खुजली होता है। सो इसके लिए आपको कटिंग करके धोना नहीं है। तो गाइस, मेरा कट के हो गया है। तो इसमें मैंने उबलते हुए पानी में मैंने मिर्ची डाला, मिर्ची डालने का मैंने ड्राई फिश डाला। तो मैंने दो टाइप का ड्राई फिश डाला, एक है फूटी बेरमा, एक है फाचे बेरमा, मैं दो टाइप का डाला। तो ये उबल रहा है। तो उबलते हुए पानी में आपको डालना है कुचू का फ्लावर को, यानी कि ठेरो का फ्लावर है ये। तो इसको आप लोग को डालना है, डाल के आपको नहीं, मतलब इसको हिलाना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुजली होती है, इचिंग होती है। तो आपको बस इसको उबलते देना है। तो इसमें मैंने डाला करेला, तो करेला डालने से इचिंग वाला जो कम होता है। तो आप करेला दे सकते हो, क्योंकि करेला देने से अलग एक स्वादिष्ट बनते हैं। तो मैंने सुना ये त्रिपुरा में ऐसे खाते नहीं, लेकिन हमारे अरुणाचल में इस तरह से बना के खाते हैं हुजूफोंगा को। हमारे लैंग्वेज से बोलते हैं हुजूफोंगा, एंड इसको बोलते हैं कुचू फोंगा। उसके बाद मेरा जितना भी मैंने पानी डाला वो पानी सूख गया है। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको हिला रही हूँ सामों से, तो हो गया है। अभी फिर से मैं ढकना दे दिया हूँ। तो लास्ट में जब पानी पूरा सूख जाता है, मुझे आपको डालना होगा सावरंग। ये एक लीव्स होता है जो बहुत ज़्यादा स्मेल है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा सब्जी हो गया है। तो लास्ट में आपको इसको गुडो करना है, एकदम न्यूज करके आपको गुडो करना है। तो ये बनता है एक गुडो, ट्राइबल का फेवरेट फूड, बहुत डिलीशियस है। तो आप लोग ऐसे ही जरूर खाइए। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ करेले का साग। करेला का साग इज़ माई फेवरेट। तो आपको बस पानी में मिर्ची दो तीन काट के देना है, और वन ड्राई फिश देना है, उसके बाद नमक देना है, उसके बाद इसको उबलते हुए पानी में डाल देना है। डालने के बाद आपको, तो गाइस, इसको आपको ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ज़्यादा नरम होने से अच्छा नहीं होता। ये जितना मतलब हेल्दी, मतलब ग्रीन रहेगा, उतना ही अच्छा लगता है। तो आप लोग ऐसे ही ज़रूर बना के खाइए। तो मेरा करेला का साग हो गया है रेडी। तो आज का ये लांस होगा, मतलब लांस बहुत ही स्वादिष्ट होने वाला है मेरा। तो गाइस, अभी मैं बनाऊंगी मांस। ये है बटा मांस। बटा मांस झोल बहुत ही अच्छे होते हैं, स्पेशली मेरा पिता के लिए हम लोगों ने रखा, उसको झोल बना के खाना खिलाएंगे। तो आज का बटा मांस का रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग है, यूनिक है, अलग है। तो मैं इसको बनाने वाला बीन्स, आप लोग देख ही लिया, मैं बीन्स लोचिम से बना रही हूँ, वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। मछली को तो मैंने ऑलरेडी फ्राई करके रख दिया है। तो मैंने सबसे पहले ऑनियन एंड मिर्ची को फ्राई किया, उसके बाद उसका ऊपर में मैं बीन्स को फ्राई कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरा फ्राई करके हो गया है। तो इसका ऊपर डाल रही हूँ मैं टोमेटो। तो टमेटो मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ये एक झोल बनेगा इसलिए। तो बहुत ही मज़ेदार है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो देख रहे हो, बहुत ही यूनिक है, कभी भी खाया नहीं होगा। तो ट्राई कीजिए, आप लोग को भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो मेरा टोमेटो फ्राई हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो मैं उसका ऊपर में अभी डाल रही हूँ झोल होने के लिए, मतलब वाटर डाल दिया, ये झोल बनेंगे। तो झोल डालने के बाद मैं उसके ऊपर में फ्राई करके रखी हुई फिश को डाल रही हूँ, क्योंकि ये एक झोल बनेंगे बहुत ही मज़ेदार। देखो लोग, बहुत ही सुंदर आया है, बहुत ही स्वादिष्ट भी हुआ है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे।
तो गाइस मेरा फिश का सब्जी हो गया है, जितना मैंने जूल डाला वहाँ से आधा हो गया है, तो मेरा सब्जी बन गया है। तो मैं एक कतरे में डाल रही हूँ, देखो गाइस बहुत ही डिलीशियस, थोड़ा सा है लेकिन बहुत ही डिलीशियस बना है, क्योंकि ये मेरा बेटा के लिए मैंने स्पेशली बनाया। तो गाइस देखो इतने मज़ेदार का स्मेल आ रहे ना, बहुत मज़ेदार वाला स्मेल। तो गाइस मेरा खाना बना के हो गया है, तो अभी भूख नहीं लग रहा है किसी को भी, तो बाद में खाना खाएंगे। तो अभी मैं रील्स बनाने वाला हूँ सावन बरसा बिजुली, क्योंकि वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आप लोग को भी दिखाऊंगी, डोंट वेरी। तो ए अंडू को आयो, आ जाओ रे, के मेरा मैन, इतना लेड, इतना लेजी मैन मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। उसको बुलाएंगे तो 5 मिनट का बताएंगे, मतलब साथ साथ में कुछ भी नहीं होगा। और हम लोग को बुलाने का बाद साथ साथ उसका सामने ना गया तो मुंह फुला के भी देंगे। कम यार, तो मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना, एंड न्यू है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और भी बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग से, बाय बाय, लव यू।